हेलो गाइस, वेलकम टू लव टैरो फॉर यू। आज का टॉपिक है कि आप जिनसे प्यार करते हैं तो क्या पिछले जन्म में भी उनके साथ आपका कोई कनेक्शन था। क्या होता है कि जैसे कई बार कितने सारे लोगों को पहली नज़र में ही प्यार हो जाता है, या एक बार मिले और प्यार हो गया, इतना अट्रैक्शन होता है उस मुलाकात में कि वो ऐसा लगता है कि बस यही हमारे लिए सही इंसान है, यही है जो प्यार करेगा। या फिर कई बार ऐसा फील आता है कि यही है जिसको मुझे प्यार करना है। तो ऐसे में फिर क्या होता है धीरे धीरे गाइस, कि वो रिश्ता कहीं ना कहीं फिर उसमें डिफरेंसेस आ जाते हैं, डिस्टेंस आ जाता है, और वो रिश्ता जो है टूट जाता है या फिर टूटने के कगार पर पहुँच जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा गाइस तभी होता है जब पिछले जन्मों का कनेक्शन हो। तो आज इस रीडिंग में हम यही देखेंगे, यही आज का टॉपिक है कि पिछले जन्म में आप कैसे थे, आपके पर्सन कैसे थे, और आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग कैसी थी। उसके बाद फिर अब क्या ये रिश्ता मुकम्मल होगा या नहीं, क्या इस रिश्ते में फिर से बाहर आएगी या नहीं, वो भी देख लेंगे। ठीक है गाइस, तो ये पाइल रीडिंग होगी, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हैं। जो मेरी वीडियोस पहली बार देख रहे हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो ज़रूर आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइए। तो ये पाइल रीडिंग होगी, और ये देखिए दो स्टोन्स हैं। जो भी आपको अट्रैक्ट करता है आप उसको चूज़ कर सकते हैं, एक वाइट है एंड एक ब्लैक है। दिल पर हाथ रखकर आप इनमें से एक स्टोन चूज़ कीजिए। पाइल नंबर 1 के लिए है वाइट और पाइल नंबर 2 के लिए है ब्लैक। तो सबसे पहले हम पाइल नंबर 1 के लिए रीड करेंगे, वाइट कलर के लिए। ठीक है गाइस, पाइल नंबर 1 के लिए रीड करते हैं। एंजल्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके लिए कार्ड्स निकालें। बहुत बार ऐसा होता है कि पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से, या जो रिश्ता पिछले जन्म में अधूरा रह गया था वो इस जन्म में आकर पूरा होता है, अपने कर्म करता है, बचा हुआ पार्ट जो है जो उस जन्म में नहीं मिला। कई बार ऐसा देखने में आया है कि वो इस जन्म में आकर पूरा करते हैं, मिलते हैं किसी ना किसी मोड़ पर और फिर उस रिश्ते को पूरा करते हैं। तो आपके लिए कार्ड निकालेंगे सबसे पहले आप पिछले जन्म में कैसे थे, कौन थे, आपका नेचर किस तरह का था, आपकी लाइफ में क्या क्या हुआ वो जानेंगे। अब आपके पर्सन के लिए कार्ड्स निकालेंगे। आपकी लव एनर्जी भी चेक करेंगे गाइस। आपके पर्सन के लिए कार्ड्स निकाल रहे हैं जिनसे आप प्यार करते हैं और किसी ना किसी वजह से वो आपको दुख दे रहे हैं, दर्द दे रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है उसके बारे में हम ये जान रहे हैं। तो टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और काफ़ी कुछ रिवीलिंग करने वाला भी है। उस लास्ट कार्ड और निकालना है
ये आपके बॉन्ड कैसा था पिछले जन्म में, उसके लिए निकाल रहे हैं। ओके, कार्ड्स ठीक से फ्रेम में आ जाए तो वो मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देती हूँ जिससे कि आपको सारे कार्ड्स दिखाई पड़े। पाइल नंबर 1 के लिए रीडिंग है, जनरल रीडिंग है गाइस। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आप कैसे थे पिछले जन्म में और आपका नेचर कैसा था और आपने क्या क्या किया। देखिए गाइस, आपके लिए कार्ड्स जैसे निकले हैं, सबसे पहले तो आपके पास उस समय बहुत पैसा था, बहुत पैसे वाले थे, पैसे की कहीं कोई कमी नहीं थी आपके पास उस जन्म में, पिछले जन्म की बात हो रही है। और दूसरा, डेथ का कार्ड भी आया है इसमें, डेवल का कार्ड भी आया है, तो कार्मिक कनेक्शन तो आपके डेफिनेटली हैं, आपके आपके पर्सन से कार्मिक कनेक्शन है, इसीलिए वो आपकी लाइफ में आए और पहली नज़र में आपको प्यार हो गया या पहली मुलाकात में आपको प्यार हो गया उनसे। अगर कुछ लोग मैरिड भी हैं तो भी उनको जो अट्रैक्शन हुआ है वो भी पिछले जन्मों का ही कर्म है उनके लिए भी। ये रीडिंग्स यही बताती है कि ये वो शादीशुदा होते हुए भी अगर किसी की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं तो वो भी इनका पिछले जन्म में ही जो प्यार अधूरा रह गया था वही फिर से उनके सामने इस जन्म में आया है और उनको वही प्यार उन्होंने दिया है, एक दूसरे को दिया है। अब किस वजह से क्या हुआ ऐसा वो लास्ट में पता लगेगा कि जो रिश्ता चलना चाहिए था उम्र भर, लेकिन वो उम्र भर के लिए ऐसा लग रहा है कि नहीं है। ठीक है गाइज, तो एक तो आपके पास पैसा बहुत था और कहीं ना कहीं पैसे का थोड़ा सा एटीट्यूड था, और जो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका रिश्ता मुकम्मल नहीं हो पाया होगा क्योंकि आप डिसीजन ही नहीं ले पाते थे। देखिए, टू ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी निकली है यहाँ पर, टू ऑफ वॉन्ड्स, तो कहीं ना कहीं आप उतना कम्युनिकेट नहीं कर पाते होंगे, अपने दिल की बातें आप नहीं कह पाते होंगे और इस तरह के रहे। और पिछले जन्म में उस वक्त आप काफ़ी एरोगेंट थे, अगर आपको आप बातें किसी की पसंद नहीं आती थी तो आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था और यहाँ तक कि उससे रिश्ता भी गुस्से की वजह से ख़त्म कर देते थे, इस तरह का आपका नेचर था। जैसे कि देखिए, डेविल का है, डेविल कार्ड ये भी बताता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा था, हो सकता है कि आपको कुछ उस तरह की इंटॉक्सिकेशन की हैबिट्स हो सकता है, स्मोकिंग की आपको हैबिट हो सकता है कि ड्रिंक आप करते हो, तो वो सडनली आपका गुस्सा जो है रेज हो जाता था और गुस्से में आपको भी नहीं पता रहता था कि आप क्या कर रहे हैं, किसी के साथ भी आप रिश्ता तोड़ सकते थे। अगर किसी कोई इंसान पसंद नहीं आया तो आप उसको हमेशा के लिए उससे मुंह मोड़ सकते थे, इस तरह की नेचर थी आपकी। और जैसे अपने ही थॉट्स में, देखिए एट ऑफ सॉर्ड्स है, अपने ही थॉट्स में ना आप इतने उलझ जाते थे, आप क्लियर बिल्कुल नहीं थे, क्लियर माइंडेड नहीं थे और इमोशनल नहीं थे, प्रैक्टिकल थे, बहुत प्रैक्टिकल थे। देखिए यहाँ पर कप्स का कोई कार्ड नहीं आया है आपके लिए, बाकी के तीनों एनर्जी आई हैं लेकिन कप की एनर्जी नहीं आई जो कि प्यार के लिए इम्पोर्टेंट होती है, जो कि इमोशंस बताती है, तो इमोशनलेस थे आप पिछले जन्म में, लेकिन देखने में गुड लुकिंग थे। नाइन ऑफ पेंटिकल्स है तो जिनके नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जिसके पास होती है वो नेचर लवर होता है और गुड लुकिंग भी होता है डेफिनेटली, ऐशो आराम पर पैसा खर्च करना पसंद आता है, अच्छा लुक कैसे हो सकता है उस पर बहुत ध्यान देते हैं, तो ऐसे ही आप थे पिछले जन्म में, अपने लुक्स पर बहुत ध्यान देते थे लेकिन आप बोल क्या रहे हैं उस पर ध्यान नहीं देते थे, और अपने ही चीज़ों में आप
उलझे रहते थे अपनी ही चीज़ों को, आपको वैल्यू होती थी कि मेरी ही चीज़ें ऊपर हैं, इस तरह का सा आपका नेचर रहा है। हालांकि एक अच्छी पोजीशन पर होंगे आप, बहुत अच्छा पैसा आपके पास दिखाई दे रहा है, तो ज़रूर से बहुत अच्छी पोजीशन में रहते होंगे, लेकिन प्यार की बातें जो हैं आपकी वो नहीं होती होंगी। किसी से भी अकड़ के बोलना या कुछ भी कह देना वो आपका स्वभाव रहा है, ऐसा है। ठीक है गाइज, अब देखते हैं कि आपके पर्सन कैसे थे पिछले जन्म में, और फिर आपकी बॉन्डिंग देखेंगे कि आप दोनों मिले कैसे। देखिए, जैसे कार्ड्स आपके आए हैं उससे ऑपोजिट कार्ड निकले हैं। इनके यहाँ पर कप्स की एनर्जी है, टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, मून की एनर्जी है, सन की एनर्जी है। तो ये क्या बताते हैं? देखिए, मून की एनर्जी सबसे पहले निकली है तो ये बताता है कि इनको धोखा मिला है। पिछले जन्म में आपके पर्सन को धोखा हुआ है, उनके इमोशंस में धोखा हुआ है। दूसरा, वो काफ़ी सरप्राइजिंग से थे, बहुत ही वेल टू डू, बहुत ही ज़्यादा समझदार और काफ़ी मेहनती आपके पर्सन थे पिछले जन्म में। अपनी मेहनत से वो कुछ भी हासिल करने वालों में से थे। हालांकि देखिए, मनी की अगर मैं बात सोचूं तो टू ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो मनी इतनी अच्छी उनके पास नहीं रही जितना कि आपके पास थी। उनके पास उतना नहीं रहा, उठा पटक होती ही रही, इसीलिए शायद वो हार्ड वर्किंग थे, अपने रिसोर्सेस से कुछ भी कर सकते थे। अगर मैं कहूँ कि गड्ढे में से भी पैसे निकालने वालों में से थे, तो वो थे, लेकिन कभी जुड़ नहीं पाया उनका। जैसे कि आपकी स्टेटस था, वैसा उनका स्टेटस नहीं दिखाई दे रहा यहाँ पर मुझे। सन की एनर्जी आई है, मैरिज को बताती है, तो प्यार करते थे वो किसी से जिससे कि शादी करना चाहते थे। शादी हो सकता है, कुछ लोगों की उनके साथ शादी भी हुई हो, ऐसा हो सकता है। उसमें ये इस वाले कार्ड्स में देखेंगे कि आपकी बॉन्ड कैसा था, लेकिन ऐसा पॉसिबिलिटी है कि शादी भी हुई हो, लेकिन अगर ऐसा नहीं था तो वो शादी करना चाहते थे। सच्चा प्यार जिससे करते थे उसी से शादी करना चाहते थे, और उसके लिए 10 of Swords का कार्ड निकला है, उसके लिए उन्होंने बहुत कुछ सेक्रीफाइस भी किए हैं। जैसे ये देखिए कि इसके सारे पूरे शरीर में तलवारें घुसी हुई हैं, तो उसने अपने आप को मार डाला, मतलब इतना ज़्यादा सेक्रीफाइस किया अपने प्यार के लिए कि उसने सारी तलवारें अपने अंदर ही घुसा ली। जैसे कि किसी तरह का मुझे यहाँ पर जो है ना सोशल प्रेशर दिखाई दे रहा है कि शायद आपकी कास्ट कुछ और थी, इनकी कास्ट कुछ और थी, आप दोनों का स्टेटस तो मैच कर ही नहीं रहा है। तो इस वजह से जैसे समाज के लोग होते हैं, फैमिली के लोग होते हैं, वो नहीं चाहते कि दोनों का मिलन हो, या ये दोनों इतने ऑपोजिट स्टेटस के लोग मिलें, तो उसके लिए वो सबसे लड़े। और उन्होंने जो था अपने आप को बिल्कुल ही मार डाला अपने प्यार के लिए। सन की एनर्जी आई है, अपने प्यार के लिए, शादी करने के लिए हर संभव उन्होंने कोशिश की, और उनके पास इतना पैसा नहीं था, तो ये स्टेटस उनका बताता है कि आपके पर्सन बहुत अच्छी पोजीशन पर नहीं थे। हार्ड वर्किंग थे तो ज़्यादातर कुछ ना कुछ तो करते ही थे, तो वो उतना अर्निंग कर लेते थे जिससे कि उनका चल जाए उनका काम। बहुत ज़्यादा पुअर नहीं कह सकती हूँ, देखिए टू ऑफ पेंटिकल्स है तो उठा पटक सी ऊपर नीचे उनके फाइनेंसेस रहते होंगे। तो लेकिन ये देखिए, मून की एनर्जी है तो उनको धोखा ज़रूर मिला है। अब कैसे, क्या हुआ? धोखा ज़रूर आया है उनकी लाइफ में, धोखा मिला है, उससे वो टूट भी बहुत गए, बहुत ज़्यादा टूट गया। और शायद उनके दिल से इतनी आह निकली, शायद एक बद्दुआ निकली कि तुझे भी वैसा ही मिलेगा जैसा तूने मेरे साथ किया है। ऐसा ऐसा दुख, इतना तकलीफ मुझे दिखाई दे रही है इन कार्ड्स में आपके पर्सन की तरफ से। तो अब देख लेते हैं गाइज कि
आपका बॉन्ड कैसा था? आप दोनों का बॉन्ड कैसा था पिछले जन्म में? देखिए कितना कनेक्ट हुए हैं सारे कार्ड्स आप दोनों के बॉन्ड का। अगर देखें, देखिए आपस में प्यार बहुत था। ऐसा नहीं है कि आपने प्यार नहीं किया, दोनों लोगों ने प्यार किया और वो यूनिवर्स ने ही आपको मिलाया था, किस्मत ने ही आपको मिलाया था, इसीलिए दोनों तरफ से प्यार था। लेकिन देखिए प्यार मुकम्मल नहीं हो पाया। हैंग्ड मैन का कार्ड निकला है, प्यार मुकम्मल नहीं हो पाया आपका। क्यों नहीं हो पाया? क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस स्टेटस का मैटर आ रहा है। स्टेटस इम्पॉर्टेंट, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो मेजर रोल प्ले कर रहा है वो स्टेटस, कि शायद आपके पर्सन आपके स्टेटस के नहीं थे, तो आपकी फैमिली में हो सकता है कि उन्होंने मना कर दिया हो। कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि शायद आपने अपना स्टेटस देखा या किसी ने आपको जब आपको बताया कि तुम क्या हो और उसको देखो तो वो क्या है, तुम दोनों का तो मैच ही नहीं है, तो वो आपको ज़रूर से इन्फ्लुएंस कर गई वो बातें। पेज ऑफ सॉर्ड्स है, देखिए यंग एनर्जी है जिसको बिल्कुल भी अकल नहीं होती है, एक्सपीरियंस नहीं होता है, ज़िंदगी का अनुभव नहीं होता है, बस जो सोचा वही ठीक लगता है, जो किया वही ठीक लगता है। तो क्योंकि इनोसेंस थी और इन्फ्लुएंस आ गया, स्टेटस आपको बता दिया गया, उसका स्टेटस देखो और अपना देखो, कहाँ कोई मैच ही नहीं है, कहाँ तुम प्यार कर रहे हो, किससे, देखकर तो प्यार करना चाहिए था। तो ऐसे में क्वीन ऑफ कप्स, ये देखिए शायद फैमिली का ही कोई मदर लग रही है मुझे ये, जो कि बहुत पावरफुल है। तो स्टेटस तो आपका भी बता रहा है ये कि आपका स्टेटस डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ऊंचा था आपके पर्सन से, और क्योंकि आप अपनी फैमिली को नहीं छोड़ना चाहते थे, फैमिली से भी प्यार करते थे और इस लड़के से भी प्यार था, लेकिन आपने कॉम्प्रोमाइज़ सेक्रीफाइस किसे किया, अपने पर्सन को कर दिया आपने उस जन्म में, पिछले जन्म में। क्यों किया? नंबर वन फैमिली की वजह से, फैमिली के प्रेशर में, क्योंकि आप उनको अपनी फैमिली को दुखी नहीं देखना चाहते थे। दूसरा आपका स्टेटस, स्टेटस की वजह से आपने जो था अपने पर्सन को सैक्रिफाइस कर दिया, है ना। आप डिसीजन ही नहीं ले पाए, सही डिसीजन ही नहीं ले पाए, और आपको बस यही लगा कि यही ठीक है, सारी चीज़ों से मुक्ति मिल जाएगी और लोग आ जाएंगे, ज़िंदगी में किसी की कमी नहीं होती है, तो आपको ऐसा लगा और आपने जो है अपने ही पर्सन को, जिसने आपसे बहुत सच्चा प्यार किया था, जिसने आपके साथ ही शादी के सपने देखे थे, आप ही के साथ जीवन गुजारने के सपने देखे थे, और वो दुनिया भर से लड़ा आपके लिए, और जो कि दिल का भी बहुत अच्छा था, बहुत भला था, बहुत प्यार करने वाला था, और ऐसा भी नहीं, हिम्मत भी बहुत थी उसमें, लेकिन धोखा किसने दिया, सेक्रीफाइस किसने दिया कर किया उसका, आपने। आपका नेचर भी ऐसा ही था, बहुत अच्छा नेचर नहीं था आपका, एटीट्यूड बहुत था, घमंड था पैसे का आपके अंदर, और दूसरा आप फैमिली से भी अपने प्यार करते थे, फैमिली को खोना नहीं चाहते थे, या फिर फैमिली के नाम पर धब्बा लगे आपकी वजह से वैसा आप नहीं करना चाहते थे, तो इसीलिए आपने अपने पर्सन का सच्चे, देखिए लवर्स का कार्ड है, मेजर अरकाना का कार्ड निकला है, तो आपने जो है अपने ही प्यार का गला काट दिया, तलवार लेकर खड़े हैं ना आप, आपने अपने ही प्यार का गला काट दिया। तो अब ये देखिए क्या आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है, क्या आपके पर्सन भी इस जन्म में अपनी फैमिली के लिए आपको सेक्रीफाइस कर रहे हैं, क्या क्या वो भी दो तरह से ऐसे जूझ रहे हैं कि आपको चुने या आपकी अपनी फैमिली को चुने? अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो वो इसीलिए हो रहा है कि आपने ही ऐसा उनके साथ किया था। देखिए जैसा करते हैं वैसा ही हमें वापस मिलता है, ये तो कुदरत का नियम है, प्रकृति का नियम है ये, कि आप जैसा करेंगे वैसा ही मिलेगा। आपके कार्मिक कनेक्शन थे, पिछले जन्म से ये संबंध चले आ रहे हैं,
इसीलिए वो इस जन्म में भी आपकी ज़िंदगी में आए और इतना प्यार आपको इस जन्म में भी दिया जैसा कि पिछले जन्म में था। इसीलिए कहीं ना कहीं आप एक सोलमेट का कनेक्शन फील करते होंगे, जैसे मेड फॉर ईच अदर। ऐसा ही आपको इस जन्म में भी लगता होगा, क्योंकि वो पिछले जन्म का प्यार था जो कि अधूरा रह गया था, वो इस जन्म में पूरा होने के लिए आया था। लेकिन इस जन्म में भी अब आपके पर्सन क्या कर रहे हैं कि जैसा आपने उनके साथ किया था वैसा ही वो अभी आपके साथ कर रहे हैं। लेकिन क्या वो करेंगे क्या या नहीं करेंगे, तो ये अभी भी हमने इन कार्ड से ये नहीं पूछा है कि क्या वो वैसा ही करेंगे जैसा कि आपने उनके साथ किया था। हो सकता है कि वो ऐसा ना करें, है ना। तो जो दुख तकलीफ उन्हें आपने दी थी, क्योंकि वो तो आपके लिए समाज से भी लड़े थे, लोगों से लड़े थे, फिर भी उन्हें धोखा मिला, तो वो कितनी तकलीफ़ होती है आप खुद समझ सकते हैं। अभी आप तकलीफ़ में हैं, दर्द में हैं, तो उनको कितनी तकलीफ़ हुई होगी, उनको कितना ज़्यादा लगा होगा कि मेरे स्टेटस की वजह से, क्योंकि मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ तो मेरे प्यार ने मुझे ठुकरा दिया, है ना, समझ रहे हो आप। तो वो एक कितनी बड़ी तकलीफ़ होती है कि सब कुछ अच्छा था, अच्छा दिल था, तो इसका मतलब तो सिर्फ पैसा ही देखा जाता है प्यार में। प्यार में इमोशंस नहीं होते हैं, प्यार में प्यार नहीं देखते हैं, पैसा देखते हैं। गलत चीज़ें हैं ये, गलत बातें हैं जो कि आपके पर्सन को उसने बहुत तकलीफ़ दी और वही दर्द और तकलीफ़ इस समय आपको मिल रही है। हो सकता है कि आप इस जन्म में फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग ना हो जितने पहले थे, और अब आपके पर्सन के साथ उल्टा हुआ होगा कि वो उनका स्टेटस आपसे ज़्यादा हाई होगा। ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो जैसा होता है अगर उसको वैल्यू नहीं हो तो उसको उल्टा ही मिलता है, यूनिवर्स का नियम है ये। तो ऐसा पॉसिबल है गाइस कि आप इस समय पर फाइनेंशियली परेशान चल रहे हो, करियर को लेकर स्ट्रगल चल रहा हो और पैसों को लेकर स्ट्रगल चल रहा हो, ऐसा हो सकता है, और वो बहुत अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में। तो गाइस देखिए, पिछले जन्म का मैंने आपको बताया कनेक्शन आपके पर्सन के साथ, जो कि आपके साथ अगर रेजोनेट होता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि सच में रेजोनेट हो रहा है। और अब एक बार वो और देख लेते हैं गाइस कि इस जन्म में क्या होने वाला है आपके रिश्ते का, ठीक है गाइस। देखिए, मुश्किलों के बावजूद व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है, मेजर अरकाना का कार्ड है। इसका मतलब ये होता है कि किस्मत का पहिया बिल्कुल ही पलट जाएगा, आपके फेवर में हो जाएगा, पता भी नहीं लगेगा, सडनली ऐसे पहिया घूमेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो ठीक करके ही जाएगा। क्वीन ऑफ वॉन्स का कार्ड है, इस जन्म में भी फैमिली का इन्फ्लुएंस दिखाई दे रहा है कि कोई ना कोई पावरफुल लेडी है, जैसा कि आपके साथ हुआ था पिछले जन्म में कि आपने फैमिली के लिए छोड़ दिया अपने पर्सन को। यहाँ पर वही फैमिली आपके रास्ते की रुकावट है, बहुत स्ट्रॉन्ग रुकावट है, और आपकी परेशानियाँ, देखिए स्ट्रगल, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स दिखाई दे रहा है, स्ट्रगल दिखाई दे रहा है आपके रिश्ते में, आपके करियर में, आपकी लाइफ में, खासकर इस रिश्ते में बहुत स्ट्रगल है, डिफ़िकल्टीज़ हैं, जैसे एक ना टूटने वाली सी उम्मीद, ऐसा सा सिनेरियो आपके रिश्ते में दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आपके पर्सन ने इस समय ब्लॉक भी कर रखा हो आपको, आपसे बात ही ना कर रहे हों, कम्युनिकेशन ही नहीं हो रहा हो, और उससे आपको इतना डिप्रेशन हो रहा है कि इतना दर्द हो रहा है, इतनी तकलीफ़ में है आप कि आपको लग रहा है कि अब शायद इस रिश्ते में कुछ भी नहीं बचा, और ऐसा आपके मन में इतना चलता होगा कि क्यों वो अपनी फैमिली के चक्कर में पड़ा हुआ है,
या पड़ी हुई है, फैमिली कुछ नहीं होती है, कोई साथ नहीं देता है, लाइफ पार्टनर साथ में रहना चाहिए, वही सब कुछ ठीक करता है, या उसी के साथ ज़िंदगी बितानी है, इस तरह का आप सोचते होंगे, बेहद दर्द में होंगे, बेहद तकलीफ में होंगे। लेकिन फिर भी यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड निकला है, मतलब किस्मत का पासा पलटेगा। जो आपने किया, जितना दर्द, जितनी तकलीफें आपने उनको दी पिछले जन्म में, तो वो आपको सफ़र करनी पड़ेंगी। उतना अमाउंट ऑफ दुख, उतना अमाउंट ऑफ तकलीफ आप भी सफ़र करेंगे। लेकिन उसके बाद फिर आप दोनों, क्योंकि लवर्स हैं, सोलमेट कनेक्शन है आपका, तो आपका मिलन ज़रूर होगा, आपके पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूर आएंगे, और आपका वही प्यार जो जन्मों पुराना है, सदियों पुराना है, वो ज़रूर से मुकम्मल होगा, ज़रूर आप लोगों का मिलन होगा, और आप दोनों बहुत खुशी खुशी साथ में समय बिताएंगे, साथ में ज़िंदगी बिताएंगे। तो गाइज़, ये तो ब्यूटीफुल रीडिंग है, अगर एंड में सब कुछ अच्छा है तो फिर बहुत अच्छा ही है, सारे दुख तकलीफ़ें सब ख़त्म हो जाती हैं। और मेरी आपको ये एडवाइस है, अगर ऐसा होता है, किस्मत का पहिया पलटता है, तो पिछली शिकायतें बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि अब आप जान गए हैं कि आपने भी कहीं ना कहीं उनके साथ वैसा ही किया था, तो उसके लिए शिकायत ना करके अपने आगे आने वाले जीवन के लिए अच्छे से खुशी से बिताना अपना जीवन। पिछली शिकायतें बिल्कुल नहीं करना कि आपने मेरे साथ ऐसा किया था, तुमने मेरे साथ ऐसा किया था, तो मुझे छोड़कर चले गए थे, उसकी मानी, फैमिली की बात मानी, ऐसा बिल्कुल भी गलतियां नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं आपने भी उनके साथ वैसा किया था, तो एक तरह से वो तो आपका कर्जा उतार रहे हैं। ठीक है गाइज, तो आई थिंक ब्यूटीफुल रीडिंग्स आई हैं, और अगर आपसे रेजोनेट होती हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स में किसी के साथ ये रीडिंग्स रेजोनेट होती हैं तो उनको शेयर भी ज़रूर कीजिए। और अब मैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग के लिए आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, आप लोग मेरे लिए बहुत 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 ख़ास हैं, और मैं आप सभी से बहुत प्यार करती हूँ। आप अपना ख्याल ज़रूर रखिए, ध्यान रखिए। गुड बाय, टेक केयर। हाय गाइस, पाइल नंबर 2 की रीडिंग के लिए, जो कि ब्लैक कलर था, जिन्होंने भी ब्लैक कलर चूज़ किया था उनका पाइल नंबर 2 की रीडिंग के लिए मैं रेडी हूँ। और आज का टॉपिक था कि जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं, और फिर भी आपके रिश्ते में खुशियाँ नहीं हैं, प्यार नहीं है, दुख और दर्द है, तो क्या उनके साथ आपका पिछले जन्म का नाता तो नहीं है? यही हम जानेंगे आज की इस रीडिंग में, और आपके कार्ड्स देखेंगे कि आप पिछले जन्म में कैसे थे, कैसी पोजीशन पर थे, आपका स्टेटस क्या था, आपका नेचर क्या था, आपके पर्सन का भी देखेंगे कि आपके पर्सन का क्या स्टेटस था, और फिर आप दोनों का बॉन्ड देखेंगे कि आप दोनों का पिछले जन्म में रिश्ता क्या था, क्या आप पिछले जन्म में भी एक दूसरे से प्यार ही करते थे, या पिछले जन्म में कुछ और थे। तो यही आज का टॉपिक है, और कार्ड्स निकालते हैं आपके लिए। सबसे पहले आपके लिए कार्ड्स निकाल रहे हैं। गाइज, कई बार होता है कि हम प्यार तो करते हैं, किसी से अचानक से मिलते हैं, कोई हमारे लाइफ में अचानक से आता है, और उससे पहली नज़र का प्यार होता है, या पहली ही मुलाकात में प्यार हो जाता है, और उस प्यार में आप इतनी गहराई महसूस करते हैं कि शायद ऐसा लगता है कि ये ही मेरे लिए सब कुछ है, या यही मेरी सांसें हैं, यही मेरी दिल की धड़कन है, ऐसा महसूस होता है। लेकिन क्या होता है कि कई बार वो रिश्ता जिसको हम जान से ज़्यादा प्यार करते थे, वही
थोड़ा सा धोखा देकर चला जाता है, रूठ जाता है, और उसको मनाते मनाते भी वो मानता नहीं है। तो उसमें गाइस पिछले जन्म का ही कुछ कनेक्शन होता है, ऐसा मेरे साथ बहुत देखने में आया है। इतने सारे लोगों की रीडिंग्स करती हूँ तो वो बहुत लोगों का कार्मिक कनेक्शन निकल कर आया है। तो आपके भी पाइल नंबर 2 के जितने भी व्यूज हैं जिन्होंने चूज़ किया है, उनके लिए भी यही देखेंगे कि उनका आपके पर्सन का आपकी लाइफ से, आपके पिछले लाइफ से क्या लेना देना था, या आपका उनसे क्या लेना देना था। मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। अगर आपसे रीडिंग्स रेजोनेट होती हैं तो ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताइएगा। सबसे पहले आपके लिए कार्ड्स निकाले हैं, फिर आपके पर्सन के लिए कार्ड्स निकाले हैं, और अब आप दोनों के बॉन्ड के लिए कार्ड निकाल रहे हैं। लेकिन ये इस जन्म का नहीं, बॉन्ड है पिछले जन्म का। ठीक है गाइज, पिछले जन्म में क्या क्या हुआ था। साथ ही में हम जानेंगे कि क्या इस जन्म में आपका रिश्ता फिर से ठीक हो जाएगा, या फिर इस रिश्ते में कुर्बानियां लिखी हैं। ठीक है गाइस, ये मैं थोड़ा सा कार्ड्स फ्रेम में कर देती हूँ जिससे कि विजिबल रहे, आपके लिए सब कुछ विजिबल रहे, ठीक से रहे। ठीक है गाइस, तो पाइल नंबर 2 के लिए रीडिंग है और सबसे पहले आपके लिए कार्ड्स हम ओपन करते हैं। ओके, देखिए आपके लिए कार्ड्स निकले हैं, आपका नेचर किंग ऑफ कप्स है ना, किंग ऑफ कप्स, किंग की तरह से आपको लाइफ अपनी पसंद थी। हो सकता है कि आप बहुत अच्छी पोजीशन पर रहे हों, मुझे बहुत अच्छी पोजीशन दिखाई दे रही है क्योंकि सिंहासन, किंग का सिंहासन हर किसी को नहीं मिलता। अब किंग तो नहीं रह गए हैं लेकिन एक बहुत अच्छी पोजीशन पर आप रहे हैं ये ज़रूर दिखाई दे रहा है पिछले जन्म में। और जब बहुत ज़्यादा हाई पोस्ट पर होते हैं, अच्छा स्टेटस दिखाई दे रहा है मुझे, अच्छे स्टेटस में होते हैं तो उसका घमंड भी होता है, एटीट्यूड बहुत होता है, तो वही आपके नेचर में भी झलक रहा है, एटीट्यूड आपके अंदर रहा है। ये देखिए आपने वॉन्ड पकड़ी हुई है तो वो भी एक पावर दिखाती है, अच्छा पावरफुल आपका पर्सनालिटी थी, पावरफुल आपका स्टेटस था। हो सकता है कि आप कहीं अगर जाते हों तो सिर्फ फ्लाइट में ही जाते हों, ऐसा भी हो सकता है, इतना ज़्यादा पैसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन और चीज़ें भी देखिए, ये तो रहा आपका नेचर, लेकिन आपकी बहुत लड़ाइयाँ होती होंगी, आर्ग्यूमेंट्स होते होंगे, ऐसा कि अपने आगे आपको कोई ठीक लगता ही नहीं होगा। फाइव ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है तो फाइव ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ना थोड़ी झगड़ालू वाली होती है, जैसे कि हर किसी से झगड़ा करना, किसी की बात ही आपको समझ नहीं आती होगी, कोई भी चाहे वो अच्छी सलाह दे रहा हो लेकिन आपको समझ नहीं आती होगी, आप सिर्फ खुद को ही ठीक मानते होंगे। और ये देखिए कितना कनेक्ट भी हो रहा है क्योंकि किंग जो होता है वो कहाँ किसी की बात मानता है, या अगर कोई अच्छी पोजीशन पर है तो जनरली अगर देखा जाए तो वो उसकी जो सोच होती है वो हर किसी के साथ मैच नहीं करती है। घमंड भी होता है अपनी पोजीशन का, तो वो किसी को अपने आगे किसी और को तो कुछ समझता ही नहीं है। ठीक है गाइस, तो ये आपका इस तरह का थोड़ा झगड़ालू सा स्वभाव रहा है ना। और देखिए एस ऑफ सॉर्ड्स निकला है तो आपको आपकी पोजीशन का बड़ा घमंड था, हमेशा मारकाट मचाने में आप लगे रहते थे। मारकाट इन द सेंस कि ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मर्डर करना हो किसी का, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है,
लेकिन चाहे वो बातों से हो, चाहे वो दूसरों को नुकसान पहुंचाने में हो, अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको पीछे खींचने में हो, तो वो आप अपनी पावर का इस्तेमाल करते थे। देखिए गाइस कितना क्लियरली विजिबल है कि हाथ में तलवार है और ऊपर पावर का साइन है, क्राउन है, मतलब अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाने के उठाते हुए आप जो थे दूसरों को नीचे गिराते थे। इस तरह का आपका सिनारियो रहा है, इस तरह का रवैया आपका था पिछले जन्म में, आप किसी को भी अपनी पोजीशन के बल पर नुकसान पहुंचाते थे। ठीक है गाइस, हालांकि इमोशनल आप रहे हैं, इमोशंस थे आपके अंदर क्योंकि किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है, लेकिन साथ साथ पैसे का घमंड, पैसे से ज़्यादा पोजीशन का घमंड तो वो आपको रहा, पावर का घमंड आपको रहा और आपने इसका फ़ायदा भी उठाया, किसी को भी आप समझते नहीं थे कुछ भी और बेहद प्रैक्टिकली बिहेव करते थे। हालांकि प्यार भी था आपके अंदर, इमोशंस थे, लेकिन प्रैक्टिकली चलते थे, वो शायद सिर्फ अपनों के लिए होंगे आपके लिए, और अपनों में भी कुछ कुछ किसी टाइम पर अच्छा किया, किसी टाइम पर नहीं किया, गुस्सा ज़्यादा हुआ क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स तो आपके रहे ही हैं, लड़ाइयाँ आपकी रही हैं, अंडरस्टैंडिंग किसी से बनी नहीं आपकी, तो वो आपका रहा इस तरह का। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून, देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड निकला है, मेजर अरकाना का है, तो ये भी जो मैंने पहले कार्ड देखकर बताया था ना कि हो सकता है फ्लाइट में आप आते जाते हों, तो ये देखिए ये भी ओवरसीज ट्रिप बताता है, हो सकता है कि आप पिछले जन्म में विदेश में हों, आपने विदेश में जन्म लिया हो, किसी ऐसी कंट्री में जन्म लिया हो, हो सकता है आप अंग्रेज हों, फॉरेनर हों, अंग्रेज का जन्म हो आपका पिछले जन्म में, और आप काफ़ी प्रैक्टिकल थे, मतलब लाइफ को जो है आप बहुत प्रैक्टिकली जीते थे, किसी भी बात में अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिली है तो उसको, एक तो उसको पाने के लिए आप कुछ भी कर देते थे, दूसरा चीज़ों को आप ऐसा समझते थे जैसे कि उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, अरे एक गया तो दूसरा आया, इस तरह का सा आपका वो अपनी लाइफ में पिछले जन्म में आपका एटीट्यूड रहा है, ऐसा रवैया रहा है कि आपके पास क्योंकि सारी चीज़ें थी, आपकी लाइफ में सारी चीज़ें थी, देखिए कितनी सारी थी, काफ़ी पढ़े लिखे थे आप, ऐसा भी दिखाई दे रहा है, बहुत चीज़ों की नॉलेज थी आपको, और घूमना फिरना आपको बहुत पसंद था, काफ़ी पैसे वाले थे, एलिवेशन भी बताता है ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है, अच्छा लक बताता है, तो इसका मतलब अच्छा लक हर चीज़ में, अगर आपने कहीं पैसे के लिए हाथ डाला तो वहाँ से बेनिफिट प्रॉफिट होगा ही होगा ऐसा, तो उस चीज़ का आपको बड़ा घमंड था। और फोर ऑफ सॉर्ड्स का निकला है, देखिए हर कोई आपके सामने झुका रहे, हाथ जोड़कर खड़ा रहे, ऐसा आपको पसंद था, तो बहुत ज़्यादा घमंड बता रहा है, काफ़ी एरोगेंट एटीट्यूड, और सबसे इम्पॉर्टेंट व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो बता रहा है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि लाइफ में किसी को भी वैल्यू नहीं दी आपने, कभी भी नहीं दी, एक गया तो दूसरा आया, दूसरे के साथ तीसरा, तीसरे के साथ चौथा, तो वो बहुत सारे कनेक्शंस भी आपके दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे कनेक्शन दिखाई दे रहे हैं, प्यार में भी सिर्फ एक ही इंसान से आपने प्यार नहीं किया होगा, बहुत सारे लोगों से आपके मुझे कनेक्शंस इन्वॉल्वमेंट्स दिखाई दे रहे हैं पिछले जन्म में। ठीक है गाइज, अब आपके पर्सन का देखते हैं कि आपके पर्सन कैसे इंसान थे, और फिर उसके बाद देखेंगे कि आपसे उनका क्या बॉन्ड था। देखिए गाइस सन की एनर्जी निकली है, तो आपके पर्सन प्यार तो करते थे, प्यार करते थे, शादी भी करना चाहते थे, लेकिन लेकिन देखिए बाकी के कार्ड्स क्या बता रहे हैं, वॉन्ड्स के कार्ड निकले हैं, इमोशन का कोई कार्ड नहीं निकला है यहाँ पर, तो आपके पर्सन भी जो थे प्यार वो करते थे किसी से, शादी करने के सपने थे किसी के साथ, लेकिन उसको कह नहीं पाए, कभी भी इतनी हिम्मत ही नहीं कर पाए कि वो बोल दें कि प्यार है उन्हें, तो उन्हें प्यार उस जीवन में भी नहीं मिला, उस जीवन में प्यार नहीं मिला आपके पर्सन को,
क्योंकि इमोशंस मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, कब का कोई बिगाड़ नहीं निकला है, तो उनको उस जीवन में प्यार नहीं मिला अपने पिछले जन्म में, और उनके सर्कमस्टेंसेस भी इतने खराब थे कि ये देखिए फाइव ऑफ सॉर्ड्स, कि उन्हें मेहनत बहुत करनी पड़ती होगी अपनी लाइफ के लिए, अपनी लाइवलीहुड चलाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी, और काफ़ी समझदार, काफ़ी चुप रहने वाले आपके पर्सन थे, मन ही मन आपको चाहना और मन ही मन शादी के सपने देखना, वो उनके उस तरह का एटीट्यूड उनका दिखाई दे रहा है। और उनकी लाइफ सिक्स ऑफ सॉर्ड्स देखिए, कितनी परिस्थितियाँ उनके साथ हमेशा ही ख़राब रहती होंगी। ये भी हो सकता है कि उन्होंने आपका स्टेटस देखकर कभी आपको प्रपोज ही नहीं किया, ऐसा भी हो सकता है, डर गए अपनी ही परिस्थितियों को देखकर या अपना स्टेटस देखकर वो डर गए, और उन्हें लगा कि ये तो कभी कुछ होगा ही नहीं। ये हम बाद में देखेंगे कि बॉन्ड एग्जैक्टली था क्या, लेकिन अभी के लिए ये कार्ड में मुझे इस तरह का दिखाई दे रहा है कि वो कमिट नहीं कर पाए, कभी भी अपने मन की बात नहीं कह पाए, और उनके मन में ही ऐसा रह गया कि ये मुझे जो है यही चाहिए, यही पर्सन मुझे चाहिए और इसी से मुझे शादी करनी है। कहीं ना कहीं आपकी खूबियाँ कुछ या आपका कुछ चीज़ उनको इम्प्रेस कर गई, जो कि उन्होंने अपने स्टेटस की वजह से आपको कभी कमिट नहीं किया। ठीक है गाइज, सोचते ही रहे सोचते ही रहे। या ये भी हो सकता है सन की एनर्जी आई है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी बताती है, मेजर अरकाना का कार्ड है, कि ये भी हो सकता है कि उन्होंने आपको प्रपोज किया हो, और क्योंकि आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो उसको लेकर वो काफ़ी तकलीफ़ में रहे, बहुत टेंशन में रहे, बहुत परेशानी में रहे, और हमेशा ही डिप्रेशन में रहे। एक तो उनका स्टेटस अच्छा नहीं था, उसकी वजह से भी वो परेशान थे, और क्योंकि आपने उनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं किया, या हो सकता है क्योंकि आप तो बहुत एरोगेंट से थे, एटीट्यूड था आपके अंदर, पोजीशन का बहुत घमंड था, तो ये भी हो सकता है कि आपने उनकी झाड़ लगा दी हो, आपने डांट दिया हो, आपने उनको बुरा भला कहा हो कि अपनी शक्ल देखी है क्या, किस क्या सोचकर मेरे पास आए हो, इस तरह की आपने हो सकता है उनसे बातें कर दी हो, जिससे कि वो बहुत निराश हो गए। देखिए सिक्स ऑफ सॉर्ड्स बताता है निराशा, बेहद डिप्रेशन, और वो हो सकता है यही सोचकर आपकी लाइफ से भी चले गए। मतलब आपका हो सकता है कि पिछले जन्म में आपका प्यार, वो जितना प्यार आपसे चाहते थे उनको बिल्कुल भी नहीं मिला, पिछले जन्म में उनको प्यार नहीं मिला, ऐसा था। तो अब आपका बॉन्ड देख लेते हैं, आपका बॉन्ड पिछले जन्म में कैसा था। देखिए जैसा मैंने बताया वैसा ही कार्ड्स भी बता रहे हैं, आपका बॉन्ड ये वन साइडेड लव ही रह गया, आपके पर्सन की तरफ से वन साइडेड लव रह गया, वो सिर्फ प्यार मिले उसके लिए वो प्रेयर्स ही करते रहे, वो यही सोचते रहे कि उनके अंदर क्या खराबी है जो आपने उनको ठुकराया या उनका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया। दूसरा देखिए टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, बहुत मन से इतना परेशानी, एक तो स्टेटस भी बहुत ज़्यादा, स्टेटस में बहुत ज़्यादा फर्क, एक राजा भोज और एक गंगू तेली, उस तरह का स्टेटस वो भी आड़े आया है आपके। और टू ऑफ सोर्ड्स, आप जो है आपने कभी भी उनकी बात नहीं सुनी, जैसा मैंने देखिए पहले भी बताया था कि हो सकता है आपने उनको बुरा भला कहकर भगा दिया हो कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास तक आने की, मुझसे ऐसा कहने की, अपनी शक्ल देखी है क्या। वैसा ही टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बता रही है कि कितना प्रोटेक्ट करके बैठे हैं आप, तो वो आपने पास आने ही नहीं दिया, आपने नज़दीक आने ही नहीं दिया। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, वो हमेशा फ्रस्ट्रेशन में ही रहा, फ्रस्ट्रेशन मतलब कि क्लियर ही नहीं था किसी भी चीज़ में, आपके जो पर्सन थे आप उनका बॉन्ड तो कहीं था ही नहीं, उनके मन में हमेशा ना फ्रस्ट्रेशन थी, क्लैरिटी ही नहीं रही, कभी भी कन्फ्यूजन ही रहा कि क्या पता वो कर दे, क्या पता हाँ बोल दें आप, क्या पता ठीक हो जाए सब कुछ। तो वो एक ना फ्रस्ट्रेशन, दुख, तकलीफ,
और क्लैरिटी ना होना, ये आपके आप दोनों के रिश्ते में रहा, कन्फ्यूजन रहा। जस्टिस देखिए, कहीं ना कहीं उनके उनके दिल से निकला कि न्याय ज़रूर होगा, उनके दिल से ऐसा निकला है कि न्याय ज़रूर होगा। इसका मतलब क्या, जैसा तुमने किया है वैसा कुदरत तुम्हें भी ज़रूर दिखाएगी। तो ये हो सकता है गाइज, अगर आप क्लैरिटी आपके अभी इस प्रेजेंट बर्थ में, इस जन्म में, अगर आपको अपने रिश्ते में क्लैरिटी नहीं है तो उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से है, क्योंकि पास्ट लाइफ में आपने कभी क्लैरिटी नहीं दी। आपके बॉन्ड में, आपके लव में, आपके रिलेशनशिप में कोई क्लैरिटी नहीं थी, तो वही आप सफ़र कर रहे हैं जैसा कि आपके पर्सन ने पिछली लाइफ में सफ़र किया था। हो सकता है कि आप इस जन्म में आपका स्टेटस उतना अच्छा ना हो और आपके पर्सन का स्टेटस बहुत अच्छा हो, तो वो भी एक ऑपोजिट हो गया, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। तो जैसा कर्म आपने किया पिछले जन्म में वैसा ही अभी आप सफ़र कर रहे हैं। आप भी शायद दुआएं मांग रहे हैं कि ये रिश्ता ठीक हो जाए या वो वापस आ जाए। हो सकता है कि वो भी बहुत प्रोटेक्टिव होकर बैठे हों, आपकी कॉल्स नहीं ले रहे हों, मैसेज नहीं कर रहे हों, आपसे बात भी नहीं कर रहे हों, लेकिन क्योंकि उनके दिल से निकला कि ये न्याय ज़रूर होगा, तो आपकी जीवन में, आपकी लाइफ में वो आए, और जो प्यार उनको पिछले जन्म में नहीं मिला वो प्यार उन्होंने आपसे इस जन्म में लिया, जिसका कि उन्हें बहुत ज़्यादा से कहना चाहिए कि उनको बहुत ही ज़्यादा उस प्यार की ज़रूरत थी। तो वो प्यार जो उन्हें पिछले जन्म में नहीं मिला, वो प्यार उन्होंने अपना इस जन्म में आकर, आपकी ज़िंदगी में आकर वो प्यार उन्होंने लिया, और जब वो प्यार उनको मिल गया तो अब जो सफरिंग्स आपने उन्हें दी थी, जो तकलीफ उन्होंने आपने उनको पिछले जन्म में दी थी, वही दुख तकलीफ वो अब आपको सफ़र करवा रहे हैं। गाइज अगर आपको रेजोनेट होती हैं ये, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे तो बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि ऐसा ही है आपके साथ, अभी ऐसा ही चल रहा होगा जो पिछले जन्म में आपके पार्टनर के साथ चल रहा था, वैसा ही कन्फ्यूजन होगा आपके अंदर इस रिश्ते को लेकर, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। कभी ये लगता होगा आपको, कभी दूसरा लगता होगा, इस तरह का कन्फ्यूजन, ना तो आप मूव कर पा रहे हैं ना ही आपसे इस रिश्ते में रहा जा रहा है, क्योंकि इस रिश्ते में कोई क्लैरिटी नहीं है। तो इतनी कश्मकश आपके अंदर चल रही होगी इस समय, और वो इसीलिए चल रही है क्योंकि पिछले जन्म में आप ही के किए हुए कर्म थे, ऐसे आप ही ने ये एनर्जी अपने पर्सन को दी थी। तो अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, आपके रिश्ते में इस समय बिल्कुल क्लैरिटी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, ना तो आपसे आगे बढ़ा जा रहा है क्योंकि आप भूल नहीं पा रहे हैं उसको, और ना ही आप इस रिश्ते में रह पा रहे हैं। और तो और, आपके पर्सन जो कि आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, वो भी ओवर प्रोटेक्टिव हो गए हैं, शायद आपसे बात भी नहीं कर रहे हैं, ब्लॉक करके रखा हुआ हो सकता है। तो इस तरह का मुझे, ये देखिए आपका कनेक्शन मुझे पिछले जन्म से दिखाई दे रहा है। अब एक वो और देख लेते हैं कि इस जन्म में इस रिश्ते का क्या होने वाला है, क्या वो भी आपको ऐसे ही मझधार में छोड़ देंगे, बिल्कुल सेम वैसा ही करेंगे जैसा आपने किया था, या फिर वो कुछ और करेंगे, है ना गाइज। तो देख लेते हैं, इसमें देखिए जस्टिस का कार्ड ये भी बताता है कि कुछ लोग, हो सकता है कि उन्होंने मैरिज ही कर ली हो या उनकी मैरिज ही हो गई हो, आपसे प्यार करने के बाद, आपसे दूर जाने के बाद उन्होंने मैरिज कर ली हो, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के रीडिंग्स में, कुछ लोगों की लाइफ में ये भी हो सकता है गाइज, है ना। तो देख लेते हैं अब आपके रिश्ते में क्या होने वाला है। कार्ड एक निकल आया है,
चलिए देखते हैं कि इस रिश्ते में आगे क्या होने वाला है। देखिए कार्ड्स तो बहुत अच्छे निकले हैं, बहुत अच्छे निकले हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स निकला है, चैरियट निकला है और सिक्स ऑफ पेंटिकल्स निकला है। तो चैरियट क्या है? चैरियट बताता है बैलेंस और चैरियट बताता है आगे बढ़ना। तो ये आपका रिश्ता यहीं ख़त्म नहीं होगा, आगे बढ़ेगा, ये आगे ज़रूर बढ़ेगा। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ये एक पीस और कंटेंटमेंट आएगा आपकी लाइफ में, आपके इस रिश्ते में आएगा, तो ये भी एक पॉजिटिव कार्ड है। और सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, देखिए वो अब चाहे उन्होंने जैसे भी कुछ भी कर दिया, लेकिन अब जो जो आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं या जो जो आपको इस रिश्ते से मिलना चाहिए, वो अब आपको आपके पर्सन ज़रूर देंगे, वो सब देंगे। इसका मतलब वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे, रथ पर बैठ कर आएंगे, चैरियट पर बैठ कर आएंगे। अब आजकल तो चैरियट नहीं रह गए हैं, तो चाहे अपनी कार में आएंगे, लेकिन वो आपकी लाइफ में ज़रूर आएंगे, आपको कॉल करेंगे, या आपको कॉल ना भी करें तो डायरेक्ट आ सकते हैं। और अब वो आपको सब कुछ देंगे जिनके कि आप हकदार हैं, लेकिन वो टाइम होने पर ही आएगा जब आप उतना सफ़र कर लेंगे, जब आप उतना दर्द, उतनी तकलीफ़ झेल लेंगे जितनी कि आपने उन्हें दी थी, तब उसके बाद वो टाइम आएगा और वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे। तो गाइज़, ये मेरे ख्याल से ब्यूटीफुल रीडिंग्स हैं। अगर एंड में सब कुछ अच्छा होना है तो बहुत अच्छा इसको कहा जाएगा। तो अगर आपको ये रीडिंग्स आपके साथ रेजोनेट होती हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी साथ में दबा दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके किसी फ्रेंड के साथ ये रीडिंग्स रेजोनेट होती हैं, बिल्कुल ऐसा ही उनकी लाइफ में हो रहा है, तो उनको शेयर ज़रूर करके बताइए। क्योंकि क्या होता है गाइज़ कि लोग इतना परेशान हो जाते हैं, क्लैरिटी नहीं होती है रिश्ते में, तो कहीं वो गलत कदम ना उठा ले, तो ऐसे में उनके लिए रीडिंग्स जानना ज़रूरी हो जाता है। अगर वो जान लेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना गाइज। तो आप सभी लोग अपना ज़रूर ख्याल रखिए, क्योंकि आप सभी लोग मेरे लिए बहुत ख़ास हैं और मैं आप सभी से बहुत प्यार करती हूँ। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। गुड बाय, टेक केयर।